बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद नाज़रीन ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप खिदमत में एक बार फिर हाजिर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन जितने भी लीडिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। उसमें चाहे कमर्शल्स हों, रेजिडेंशल हों, फार्म हाउसेज हों या कोई घर की सेल परचेज हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ है वही आप तक पहुँचाएँ और आपके साथ हम उन चीज़ों को डिस्कस करें। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे जी किंगडम वैली को। किंगडम वैली गवर्नमेंट से मंजूर शुदा ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है। चक्री रोड के ऊपर ये वाक़ है और तकरीबन 2 साल होने को हैं ये प्रोजेक्ट NOC के साथ अपनी इसमें मार्केट में आया और अच्छा खासा इसने बिजनेस किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो डेवलपमेंट थी वो बहुत स्लो होने की वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो कम हुआ। सोसाइटी ने फिर इसके ऊपर एक्शन लिया और आइकॉन कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और अपनी डेवलपमेंट तेज़ी से की। दूसरा इसका मेन इशू ये रहा था कि इन्होंने 1 साल पहले बेल्टिंग का कहा था कि हम बहुत जल्द बेल्टिंग करेंगे और बेल्टिंग का क्राइटेरिया जो उन्होंने रखा था वो 95% रखा था। डेट के ऊपर डेट आती गई, इस महीने, उस महीने, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये सारी चीज़ें हमने, चूँकि जो चीज़ सोसाइटी की तरफ से आती है हमने वही आपके साथ शेयर करनी होती है। आखिर में फिर हम लोगों ने जितने भी अच्छे लोग काम करने वाले थे, इसका पार्ट थे किंगडम वैली का, उन्होंने किंगडम वैली की मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग रखी और बड़े धड़ल्ले के साथ अपने सवाल किया और बल्कि डिफेंड किया बहुत ज़्यादा चीज़ों को कि ऐसे नहीं कि वो वक्त चले गए हैं कि आप जो है जो चीज़ कहेंगे वही होगा, आप काम करेंगे, हम आपके साथ जुड़ेंगे, हमने आपके साथ इन्वेस्टर जोड़ा हुआ है, हमने आपके साथ एंड यूज़र जोड़ा हुआ है, हमारे कहने के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप एक फ़ाइनल डेट दें। और कुछ और भी सवाल थे, फाइनल डेट तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हम 14 अगस्त से 15 अगस्त नहीं करेंगे और 14 अगस्त को हम बैटिंग करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था, जो सबसे बड़ी डिमांड थी या लोगों के क्वेश्चन थे उसमें ये था कि इन्होंने जो बैटिंग का क्राइटेरिया रखा हुआ है वो 95% है। हमने उनके सामने ये भी इशू रखा लेकिन सोसाइटी ने कहा कि हम बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो भी फैसला आएगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको हम थोड़ा कम करें। तो सोसाइटी की तरफ से जी एक नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो मैं जो है सोसाइटी की तरफ से जो लेटर आता है वो पढ़ कर आपको सुनाता हूँ और वही साथ अटैच करता हूँ। आया जी बेल्टिंग किंगडम फैमिली के लिए बड़ी खबर, अब बेल्टिंग में शमूलियत के लिए 95% अदायगी की शर्त ख़त्म, 70% अदायगी यकीनी बनाए, यानी कि 70% आप करेंगे तो आपका नाम बेल्टिंग में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है जी, आप 70% का मतलब ये हुआ, मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक फाइल है 975 की, 5 मरले की, तो उसका जो 70% बनता है, को मेरा ख्याल है कि कोई 6,80,000 रुपया, पहले आपने 9.5 लाख पे करना था, अब उसमें काफ़ी कमी आई है, यानी कि 6.5 लाख, 6 लाख, 7.5 लाख तक आपने पेमेंट करनी। बहरहाल आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और इसमें आप अगर अदायगी करना चाहते हैं तो 70% पर आपकी बेल्टिंग होगी। ये बड़ी अच्छा, एक अच्छी जो है ईद के बाद तोहफा है, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, अब मेरा ख्याल है 50% तो लोगों ने की हुई है, थोड़ी हिम्मत करके 70% कर लें तो वो उसको बेल्टिंग में नाम शामिल हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त का सवाल था, उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ 5 मरले की बात करते हैं, बाकियों की बात क्यों नहीं करते। देखें, जब हम 10 मरले की, 8 मरले की, 1 कनाल की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप सब के लिए, चाहे किसी का 1 कनाल का प्लॉट है, चाहे किसी का 10 मरले का है, चाहे किसी का 8 मरले का है, चाहे किसी का 4.5 मरले का है, 4 मरले का है, 3 मरले का है, जो भी है, वो अपना 70% अपनी पेमेंट क्लियर करेगा और उसका नाम बेल्टिंग में शामिल कर लिया था। ये था आज का मैसेज। और जिन लोगों ने अपनी 50% के राउंड अबाउट नज़दीक तरीन पहुँचे हुए हैं या 40% के ऊपर पहुँचे हुए हैं या 60 के ऊपर पहुँचे हुए हैं, तो कोशिश करके 70% करें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको प्लॉट नंबर मिल जाएगा, आप एक अपने आप को सेफ फील करेंगे कि यार हमें कम अज़ कम प्लॉट नंबर मिल गया, कम अज़ कम जाकर गलियाँ जो लगी होंगी उसके ऊपर जाके हम देख सकेंगे कि भाई प्लॉट आपका रेडी हुआ या नहीं हुआ। तो ये बड़ी अच्छी एक सोसाइटी की तरफ से एक ऑफ़र है और इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाने के लिए आप ज़रूर इसमें शिरकत करें। और जो या अगर हमारी आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें पेज के ऊपर
आप फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस G15 मरकज इस्लामाबाद तशरीफ ला सकते हैं। इंशाल्लाह इसके हवाले से कोई और भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई तो हम अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मुझे और टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह पाक आपका हामी नासर। खुदा हाफिज़।